फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर लगातार काफी अधिक समस्याएं आ रही थी। अब बीसीसीआई ने कंफर्म्ड कर दिया है, बीसीसीआई आईपीएल 2020 के सीजन को कैंसिल नहीं करेगा। हो सकता है हमें सितंबर से लेकर नवंबर के बीच किसी भी विंडो के तहत आईपीएल 2020 का सीजन देखने को मिले। इवन बीसीसीआई ने इंडिया के सारे टूर्स को पोस्टपोन कर दिया है, यानी जो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच टीम इंडिया के जो टूर्स होने वाले थे वो सब कुछ अब कैंसिल हो चुके हैं। इस दौरान बीसीसीआई आईपीएल का एक विंडो खोजेगा और आईपीएल 2020 का सीजन कराएगा। करंटली टीमें दोबारा से आईपीएल की प्रिपरेशन में आ चुकी है, टीमें अपने स्क्वाड को लेकर दोबारा से वर्क करने लग चुकी है। इसके बाद अब करंटली केकेआर की टीम की तरफ से तीन बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, या फिर यूं कहे कि केकेआर की टीम के लिए आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर तीन अच्छी बुरी खबरें निकल कर आई है। मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आखिर केकेआर की तरफ से कौन सी तीन बड़ी खबरें निकल कर आई है और क्या अब केकेआर की टीम को आईपीएल 2020 के सीजन में इनसे बेनिफिट होगा या फिर नहीं। मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन के लिए केकेआर की टीम के लिए लगातार काफी अधिक बुरी खबरें आ रही थी, जहां पर ऑक्शन में इस टीम ने अच्छा खासा स्क्वाड पिक किया था और ऑक्शन के बाद से इस टीम के लिए अपने प्लेयर्स के बैन को लेकर लगातार बुरी खबरें निकल कर आ रही थी। सबसे पहले इस टीम के लिए प्रवीण तांबे बैन हो गए थे, इसके बाद नीतीश राणा, इसके साथ ही शिवम मावी और इसके साथ ही क्रिस ग्रीन जैसे प्लेयर्स पर बैन का खतरा मंडरा रहा था। इनमें से काफी हाईली चांसेस थे कि लगभग 2 से 3 प्लेयर्स तो कंफर्म रूप से आईपीएल 2020 के सीजन के लिए बैन होने वाले हैं। अब करंटली केकेआर की तरफ से तीन अच्छी बुरी खबरें निकल कर आई है आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर। जो सबसे पहली बड़ी खबर इस टीम के लिए निकल कर आई है वो ये इस टीम के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल केकेआर की टीम के ऑलराउंडर नीतीश राणा को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल नीतीश राणा पर एज फंडिंग के मामले को लेकर जांच हो रही थी, लगभग ये माना जा रहा था कि इन पर बैन नहीं लगेगा और हुआ भी कुछ इस प्रकार से कि करंटली इन पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगाया गया है और इन्हें आईपीएल 2020 के सीजन में खेलने के लिए अब ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है। इन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये लगभग बताया था कि अभी आईपीएल 2020 के सीजन का वेट कर रहे हैं और ये काफी एक्साइटेड इस बार आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर है। इसके बाद केकेआर के लिए दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई है शिवम मावी को लेकर। दरअसल शिवम मावी पर भी जांच हो रही थी, नीतीश राणा और शिवम मावी दोनों पर काफी हाईली चांसेस थे कि इन पर बैन लगेगा, लेकिन करंटली इन दोनों ही प्लेयर्स पर अब बीसीसीआई बैन नहीं लगाएगी। शिवम मावी पर भी अब जो बैन का खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका है और अब आईपीएल 2020 के सीजन में नीतीश राणा इसके साथ ही शिवम मावी हमें कंफर्म रूप से केकेआर की टीम के लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं केकेआर के लिए आई तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर करंटली केकेआर के लिए निकल कर आई है वो ये आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर सबसे बड़ी बुरी खबर। दरअसल आईपीएल 2020 के सीजन के लिए प्रवीण तांबे को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। विदेश में टी10 लीग खेलने की वजह से बीसीसीआई ने इन पर बैन लगाया था और ये कंफर्म्ड हो चुका था कि आईपीएल 2020 के सीजन में केकेआर का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। लेकिन केकेआर की तरफ से बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी गई थी कि केकेआर की टीम ने इन्हें ऑक्शन में खरीदा था और अगर ये आईपीएल 2020 के सीजन के लिए बैन हो जाएंगे तो केकेआर की टीम को बड़ा नुकसान होगा। अगर इन्हें बैन ही करना था तो आईपीएल ऑक्शन में इनका नाम नहीं आना चाहिए था। अगर इनका आईपीएल ऑक्शन में नाम आया है और अब केकेआर की टीम ने इन्हें खरीद लिया तो आईपीएल 2020 के सीजन में इन्हें केकेआर में खेलने की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ये रिजेक्ट हो चुका है और ये कंफर्म्ड हो चुका है कि बीसीसीआई इनका बैन नहीं हटाने वाली है और ये कंफर्म्ड रूप से हमें आईपीएल 2020 के सीजन से बाहर होते हुए दिखने वाले हैं। तो करंटली केकेआर की तरफ से ये तीन अच्छी और बुरी खबर निकल कर आई है आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर। तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए केकेआर की टीम का कैसा प्रदर्शन आईपीएल 2020 के सीजन में रहने वाला है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।